मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मतदान का खास दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए रोज जैसा ही रहा। उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद लोगों से अपील की कि वे वोट देने जरूर जाएं। आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव का मतदान शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रोज की तरह पूजा पाठ में व्यस्त रहे। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट करने की अपील की। शिवराज सिंह ने कहा कि आओ मिलकर बनाएं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, निडरता और निष्पक्षता के साथ मतदान करें। आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए, मतदान कीजिए। शिवराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भाजपा के साथ है। कमलनाथ की सरकार ने मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बना दिया था। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की अनेक योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान ही लोकतंत्र की आत्मा है। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मेरा आपसे निवेदन है, निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान जरूर करें और अपनी अपेक्षाएं पूरी करने वाली सरकार चुने। याद रखिए, आपका एक एक वोट लोकतंत्र को मजबूती देगा। अगर अभी तक वोट नहीं डाले तो निकलिए, मतदान कीजिए, आओ बनाए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।